मैंने एक बात जान ली है, चाहे कितनी भी बुरी किस्मत हो, मेहनत करते रहो, कभी हार मत मानना मेरे दोस्त, क्योंकि जब लोग बदल सकते हैं तो ये किस्मत क्या चीज़ है। नमस्कार दोस्तों, दो चक्का स्कूटी ड्राइविंग में आप लोगों का स्वागत है। आप देख सकते हो यहाँ पर मैम अभी पांव ऊपर आज कर लिए, और ये मैम को आप लोग अच्छे से पहचान रहे होंगे। मुझे नहीं लगता है कि जितने व्यूवर्स अभी देख रहे हैं वो मैम को नहीं पहचान रहे होंगे, अच्छे से पहचान रहे हो, क्योंकि इनकी वीडियो हमने डाल रखी थी पहले। इनकी दो वीडियो हमने डाल रखी है जिसमें काफ़ी पीछे मेहनत मैं कर रहा था और मैम भी काफ़ी मेहनत कर रही थी, उसके बावजूद भी बैलेंस बनने में और गाड़ी बार बार गिर जा रही थी क्योंकि मैम की हाइट काफ़ी कम थी। और आप पिछले दो वीडियो में देखोगे, दोनों वीडियो में मैं दौड़ रहा था पीछे पीछे, बट आज का ऐसा दिन है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ और मैम खुद से ड्राइव कर रही हैं, और ये आज मैम के लिए और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और मैं तो शायद उतना खुश नहीं हूँ, है ना, जितना मैम खुश है, क्योंकि मैम को जो चाहिए था वो शायद, वो जो सपना देखा था मैम ने, वो आज पूरा हो गया। और खुशी तो मुझे हर लोगों से मिलती है, जितने लोग हमारे से सीखते हैं, है ना, तो एक सिखाते सिखाते एक हमारे लिए एक नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि हम लोग हर दिन, हर 5 दिन 10 दिन पे एक का बैलेंस बनवाते हैं और वो चीज़ चलाने लगते हैं। बट जो लोग सीखते हैं और जो सीखने का वो रखते हैं कि मुझे सीखना है, और उसके बाद जब सीख जाते हैं ना, तो उनकी खुशी सिर्फ वही जान सकते हैं, वही फील कर सकते हैं, ना हम लोग फील कर सकते हैं, ना आप फील कर सकते हैं, है ना। जो सीखते हैं और सीखने के बाद जब वो चलाने लगते हैं बिंदास एकदम, और वो जब चलाते हैं, जब फ्लो बन जाता है, बैलेंस बन जाता है, जब हवा लगती है ठंडी ठंडी, वो मतलब वो सुकून बस वही समझेंगे, ठीक है। तो हर चीज़ बदल सकती है, आपकी किस्मत भी बदल सकती है। मैंने वो जो लाइन बोला कि मेहनत करते रहो, जब ये लोग इतने सारे हैं जो आपके अपने हैं वो लोग बदल सकते हैं, तो ये किस्मत क्या चीज़ है। तो बस अपने मेहनत के साथ आगे बढ़ते रहो और कभी हार मत मानना। मैं हर दिन एक ही बात बोलता हूँ आप लोग को कि मेहनत अगर करोगे तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो तुम्हें नहीं मिलेगी। देर ज़रूर होगी, लेकिन ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो मेहनत आपने किया हो और वो चीज़ आपको ना मिला हो। और मैं जिस फील्ड में काम कर रहा हूँ उस फील्ड में तो मैं गारंटी देता हूँ, भले कोई ट्रेनर आपको गारंटी दे ना दे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मैं गारंटी देता हूँ आप लोग सीख जाओगे। बस हिम्मत मत हारना। आप लोगों ने जितना प्यार दिया है मेरे वीडियो पे, उस प्यार का मैं हमेशा आभारी रहूँगा, और उसके कारण मेरी मेहनत और दुगनी होती है, क्योंकि मेरा मोटिवेशन आप लोग ही हो। जब आप लोग मेरे पे कमेंट करते हो, उतनी अच्छी अच्छी बातें बोलते हो, तो मेरा मोटिवेशन और हाई हो जाता है, फिर मेरी जो मेहनत होती है वो दुगनी होने लगती है। एक जब भी मैं लो फील करता हूँ तो मैं अपनी वीडियो के कमेंट पढ़ने लगता हूँ, क्योंकि आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स देते हो तो मतलब बहुत खुशी मिलती है। तो उसी प्रकार अभी मैम जो अभी चला रही है, देख सकते हो पैर दोनों ऊपर आ चुकी है। एक टाइम था जहाँ पर मैम रोकते वक्त बार बार गाड़ी गिर रही थी क्योंकि हाइट बहुत कम था, और मैम का वीडियो का बनाने का एक ही पर्पस है कि आप लोग मैम से बहुत बड़ा मोटिवेशन ले सकते हो। इतनी कम हाइट होने के बावजूद एक्टिवा को संभालना, आप लोग एक्टिवा को जानते हैं, एक्टिवा की हाइट एक अच्छी होती है, है ना, और एक्टिवा भारी भी होती है, तो उस हाइट पे आपको संभालना ये बहुत बड़ी चीज़ है। वो अगर आप कर ले रहे हो तो इससे बड़ा आपके अंदर मतलब एक आग है, आपके अंदर जुनून है। आपकी हाइट चाहे कितनी भी कम हो, हौसला अगर ऊँचा है तो आपको कोई नहीं रोक सकता है उस चीज़ को पाने से। जैसा कि मैम को भी आप देखिए, मैं एकदम खड़ा हूँ, अपने नॉर्मल यहाँ पर घूम रहा हूँ, मैम एकदम बिंदास चला रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम देख रहे हो एकदम मस्त। और बस यही चीज़ मैं बोलूँगा आप लोग से कि वो खुशी मैम शायद फील कर रही होंगी, और मुझे आज बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मैम पे काफ़ी ज़्यादा मेहनत हुई है ना। और वो शायद आप लोग बैकएंड में मेहनत नहीं देखे होगे, आज सिर्फ आप लोग रिज़ल्ट देखने आ रहे हो। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, अभी बहुत लोग मेरी वीडियोस देख रहे होगे, वो बेड पे लेट के देख रहे होगे, तो आप लोग से एक चीज़ बोलूँगा कि हिलना चालू कर दो, वरना इस वीडियो का कोई मतलब नहीं होगा। आप लोग कितनी भी वीडियोस वॉच कर लो, मेरी वीडियोस, किसी और की वीडियो, कोई मतलब नहीं होगा भाई, अगर आप लोग वो मैदान में लेकर नहीं आओगे, ऑन फील्ड काम नहीं करोगे, ऑन फील्ड मेहनत नहीं करोगे, तो कुछ नहीं मिलने वाला है आप लोग को। एक चीज़ मैं हमेशा आप लोग को बता दूँ कि वीडियोस एक हमेशा सपोर्ट आप लोग को कर सकता है, वीडियोस आप लोग को घोल कर नहीं पिला देगा ग्लास में, ठीक है,
आप लोग का यही है जितने लोग भी हैं कि पहले तो हमें पानी हमने मांगा, आप बोल रहे हो उसमें नींबू चीनी मिला के मुझे दो, तो वो कोई नहीं करेगा। मेरी वीडियोस से बहुत लोग सीख गए हैं, लेकिन कौन सीखे हैं? जो वीडियोस देखने के बाद ग्राउंड पे मेहनत कर रहे हैं, ना कि वीडियोस देखने के बाद बेड पे लेट के चलो आज स्कूटी लेकर आज ऑफिस से आ जाती हूँ, ऐसा नहीं होता है भाई। मैं हर दिन बोलता हूँ कि आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी, सारी चीज़ आप ही को करनी पड़ेगी। बोलते हैं ना कि सिर्फ हम लोग एक छाता हैं, सिर्फ आपको धूप से बचा सकते हैं, है ना, आपको एक अच्छा गाइडेंस दे सकते हैं। मेहनत आप ही को करना पड़ेगा, चलना आप ही को पड़ेगा, और जब तक आप चलोगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा आप कितने गहराई में हो। ठीक है, तो बस इसी के साथ अपनी वीडियो को एंड करते हैं, और ये वीडियो बस बनाया हूँ आप लोग के लिए, देखिए और इससे कुछ बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। चलिए फिर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग का ये प्यार हमेशा बरकरार रहे यही आशा करता हूँ, और हमारी मेहनत तो चलती ही रहेगी। चलिए फिर, धन्यवाद।